घूमने के लिए कहाँ जा रहे हो हमें पता नहीं है, क्योंकि मेरे भाई लोगों ने ना अचानक से प्लान बनाया घूमने का। और अभी खाने लग गए। पापा जो मस्त गए हैं इस जगह में। मेरा और नमु का और महक का, लोको और गुनु का तो पहला ट्रिप है, ये लोग तो पहले आते जाते रहते हैं। हेलो माय ट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसा आप सभी लोग, आई होप कि आप ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10:30 बजे से और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। और घूमने के लिए कहाँ जा रहे हो हमें पता नहीं है, क्योंकि मेरे भाई लोगों ने ना अचानक से प्लान बनाया घूमने का। और किस तरफ को जा रहे हैं मुझे पता नहीं है, जहाँ भी जाएंगे आप लोग को साथ में ले चलेंगे। फिलहाल तो हम सब रेडी है, तो चलिए चलते हैं। तो आज ना हमारी दोनों गाड़ियाँ जा रही हैं, यूवी भी और नीलू भी। मैं और गुनू जा रहे हैं मयंक और भूमि के साथ, और लोको और मम्मी आ रहे हैं हिनू और कार्तिक के साथ। चलते हैं हम भी घर से और देखते कैसे रहता है हमारा आज का ट्रिप। नीलू आगे आगे और यूवी पीछे पीछे, मठू मठू आ रही यूवी पीछे से। मेरे भाई लोग लेके आए हैं मुझे सामा वाले रोड में, और ये कहाँ जा रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ से ना कपकोट के गांव का व्यू इतना मस्त आ रहा है, एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ। तो सामा वाली रोड पर ना मैं पहली बार आ रही हूँ, और यहाँ ना काफी अच्छा लग रहा है, और हर जगह ना हरियाली हरियाली है, और यहाँ का जो व्यू है ना वो मस्त वाला है। और जहाँ पे अभी हम रुके हैं उस जगह का नाम है भनार गांव, और देखो कितना अच्छा मस्त वाला व्यू आ रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सफर की तरफ, और हमारा सफर है शायद सामा, क्योंकि भूख भी लग चुकी है और दिन का खाने का टाइम भी हो गया है। तो खाना वाना खाने के लिए हम जा रहे हैं अभी सामा, और हमारा नमूना सोया था रास्ते भर में और अभी उठ गया है, छोए थे बुआ और अभी खाने लग गया चिप्स। और मह क्या कर रही है उसको भी देख के आती हूँ मैं। मह क्या कर रही, क्या करती, तू भी छोई थी? हाँ छोई थी बुआ, अभी उठी हूँ। क्यों मम्मी गर्मी हो गई? मम्मी को गर्मी हो गई है और पापा की याद भी आ रही है मम्मी को। आ रही मुझे तो आ रही, पापा जो मस्त गए हैं इस जगह में है। तो चलो फिर चलते हैं और सफर को कंटिन्यू करते हैं हम। पर भूख भी काफी लग गई है, तो कहीं पर ना उतर के एक बार खाना वाना खा लेंगे। तो ये रहा सामा का मार्केट। तो हम पहुंच चुके हैं सामा में, और ये मेरा ना पहला ट्रिप है सामा का, और इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा, और साथ में ना भूख भी लग गई है। तो हम ना सामा बाजार में रुके हुए हैं खाना खाने के लिए, और सब लोग बैठ गए हैं। और मेरा और नमू का और महक का, लोको और गुनू का तो पहला ट्रिप है, ये लोग तो पहले आते जाते रहते हैं। तो चलो खाना वाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हमारे खाने की थाली भी आ गई है। खाने की थाली में है चावल, दाल, सब्जी, अचार और सलाद, और लक्कू तो यहाँ पर खाने भी लग गया है। खाना बहुत अच्छा बना यहाँ का, मजा आया। तो खाना खाने के बाद ना हम सामा से थोड़ा आगे आगे हैं, और यहाँ पे हम रुके हुए हैं क्योंकि ना गाड़ी में बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था, तो यहाँ पे रुके ना थोड़ा ठंडी ठंडी हवा खा लेते हैं, और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एकदम सुकून मिल रहा है हरियाली के बीचों बीच। नमो भी ठंडी ठंडी हवा खाएगा भरा के। हम लोगों ने ना थोड़ी सी ठंडी हवा भी खा ली यहाँ पे रुके, और अब चलते हैं आगे को, और अब करते अपना सफर कंटिन्यू घर की तरफ को।
हम लोग पहुंच चुके हैं अभी जंगल कैफे में और यहाँ ना बहुत अच्छा है। और शायद ना यही था मेरे भाई का सरप्राइज हमें यहाँ घुमाने का। ये था क्या सरप्राइज तुम लोगों का? बहुत अच्छा। और गुंजन तो झूला भी झूलने लग गया और लकू स्कूटी चला रहा है। आपकी सवारी कितनी दूर की है? 100 किलोमीटर हल्द्वानी की ओर है। अब मैं चल जा रहा हूँ। लकू को यहाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा। मामू का सरप्राइज कैसा लगा आपको बताओ पहले। और गुंजन को? नहीं बेटा गिरेगा, वो छोटू गिरेगा। दीदी को कैसा लगा मामू और मामी का सरप्राइज? वर्ल्ड बेस्ट सरप्राइज। यहाँ पे ना लकू और गुंजन के साथ एक छोटा सा बॉय और बैठा है। क्या नाम है आपका? प्रियांश। विहान। तो भी यहाँ पर नमन और भूमि झूला झूल रहे हैं। कैसा लग रहा है मैडम जी आपको झूल के? लोको अपनी मामी को कितने दूर ले जा रहा है? हल्द्वानी। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय। और मम्मी और महक वहाँ है क्योंकि महक को ना गर्म हो रहा है तो उसको ना वहीं रखा है, अभी वो छोटी है ना। तो गाइस अभी लकू और मम्मी जा रहे हैं हल्द्वानी। तो गाइस ना मम्मी को अपने अपनी स्कूटी में सीधे ले जाना है। रुको, सीधे कहीं मत रोकना, चले जाना। हाँ तो लकू और मैं तो जा रहे हैं, गुंजन ही रहना। बाय बाय। तो यहाँ आके ना मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और अब चलते हैं घर को क्योंकि ना महक और नमन भी है साथ में और बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रही है। तो घर निकलते हैं और तो अगली बार जब छुट्टी आएंगे ना फिर और आएंगे हम यहाँ। और अभी मैं ना सच में पापा और अपने हस्बैंड जी को बहुत याद कर रही हूँ। अगर वो भी साथ में होते ना बहुत अच्छा लगता। तो देखे यहाँ से कितना अच्छा लग रहा। तो हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से अपने घर की ओर। हम लोग भी पहुंच चुके हैं घर और आज का सफर ना काफी अच्छा था। और भाई लोगों ने ना मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। और अपना कपड़ा पे चेंज करते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और इस ब्लॉग को भी ना यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ब्लॉग पसंद आए। अगर आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय। जय हिंद, जय देव उत्तराखंड। और बाय बाय।